नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम महिलाओं से जुड़ी एक ज़रूरी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। आज समझेंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना क्या होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कंसीव करने में यानी कि माँ बनने में दिक्कत आ सकती है। ये भी जानेंगे कि इसका इलाज क्या है और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रीता चौधरी, जो कि बिहार की सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की समस्या ये आखिर क्या है, जो कि महिलाओं को माँ बनने में इसके वजह से बाधा आती है? फैलोपियन ट्यूब, पहले हम लोग समझ ले होता क्या है। फैलोपियन ट्यूब हमारे यूट्रस के दोनों तरफ दो नलियाँ होती हैं, जो ओवरीज में जब एक तैयार होते हैं, नलियों के मतलब सामने ओवरीज का पोजीशन होता है, ओवरीज में अंडे तैयार होते हैं। अंडे जब तैयार होते हैं तो वो इस पतली नली से हो करके हमारे यूट्रस के अंदर आते हैं, ठीक है, माँ के यूट्रस में आते हैं, जहाँ पर स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है। हालांकि ये ट्यूब में ही हो जाता है, तो यूट्रस में आने के बाद वहाँ पर प्रेगनेंसी स्थापित होती है और वो ग्रो करता है। तो अगर वो फैलोपियन ट्यूब जो अंडों को या जायगोट को आने के रास्ते हैं, आने के लिए ट्यूब्स हैं, अगर वो किसी तरह से कहीं पर भी बंद हो जाते हैं, हालांकि वो बिल्कुल बाल की तरह पतली कैविटी रखते हैं, पतला नली रहता है उसके अंदर, अगर वो किसी तरह भी बंद हो जाते हैं तो उसे हम ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तो ये दो ट्यूब्स होते हैं, दोनों में से यदि एक ट्यूब बंद हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो दूसरा ट्यूब अपना काम करता रहता है और प्रेग्नेंट होने के चांसेस लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन यदि दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना नहीं रहती है। तो जो ट्यूब्स हैं वो नॉर्मली मतलब दोनों काफ़ी मिलीमीटर्स हैं, माइक्रोमीटर्स में उनकी डायमीटर होती है, इंटरनल डायमीटर। तो उनके ब्लॉक होने के कई कारण होते हैं। पहला तो है कि एक पेल्विक इन्फेक्शन होने से, मतलब यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन बोलते हैं, ट्रकोमोनल इन्फेक्शन बोलते हैं, ये सभी इन्फेक्शन होते हैं, तो धीरे धीरे सूजन पैदा होता है और सूजन के साथ साथ वहाँ पर जब हीलिंग होती है या सूजन भी रह जाता है, तो ट्यूब्स कि जो छोटा सा ट्यूब का जो छोटा सा कैलिबर, पतला सा कैलिबर रहता है, वो बंद हो जाता है। उसके कारण फिर अंडों का आना जाना बंद हो जाता है। उसके अलावे एक और इन्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन यदि जेनाइटल ऑर्गन्स मतलब शरीर के किसी भी ऑर्गन से जाके यदि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चला जाता है, तो वो उसको मतलब बीमार करता है, उसमें सूजन आता है और उसमें फाइब्रोसिस होती है, हीलिंग होती है, उस स्थिति में भी वो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और एक और कारण है हाइड्रोसाल्पिंग्स, जिसमें कि यदि ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं तो जो ट्यूब्स के जो कैविटी बची रहती है उसमें मतलब द्रव पदार्थ यानी पानी की तरह का पदार्थ जमा होते जाता है और वो बलून की तरह फूल जाता है, जिसको कि हाइड्रोसाल्पिंग्स बोलते हैं। कभी कभी ट्यूब में ऑपरेशन होते हैं और मान लीजिए उसके बाद बच्चों की ज़रूरत फिर पड़ जाती है, तो उसको भी एक तरह का ट्यूबल ब्लॉकेज या उसी ढंग से देखा और उसी तरीके से इलाज किया जाता है जिस तरीके से ट्यूबल ब्लॉकेज। तो है कि ट्यूबल ब्लॉकेज में कहा जाता है, लोग सोचते हैं कि उसमें क्या तकलीफ होती है। ट्यूबल ब्लॉकेज में पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, अनलेस अनटिल कि वो बिल्कुल एक्यूट हो, एकदम कोई वहाँ पर इन्फेक्शन पेट में दर्द करा रहा हो। ट्यूबल ब्लॉकेज का पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता, उसे कोई तकलीफ, कोई पहचान नहीं आती है। ट्यूबल ब्लॉकेज जब तभी पता चलता है जब मान लीजिए कि शादीवादी के बाद बच्चे की कोशिश की जा रही है और माने इनफर्टिलिटी हो रहा हो, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे पेशेंट, तब पता चलता है जाँच करने के बाद कि ट्यूब में ब्लॉकेज है। या और किसी कारण से भी मान लीजिए कि यूट्रस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जांच हो रहा है, तो इन द मीन टाइम ये ट्यूबल ब्लॉकेज सामने आ सकता है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज के जांच के लिए एक तो है कि एक्सरे की जाती है, दूसरा अल्ट्रासाउंड की जाती है, तीसरा आजकल वो MRI से भी किया जाता है उसका पहचान। और जब ये ट्यूबल ब्लॉकेज पहचान में आ जाता है, तब
फर्टिलिटी के लिए, मतलब बच्चा कंसीव करने के लिए उसका इलाज की, उसके इलाज की ज़रूरत होती है। उसके इलाज में ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट पहले करते हैं, जो कि लैप्रोस्कोप से भी होता है, और ये जो मैंने कहा एक्सरे वगैरह से, अल्ट्रासोनोग्राफी से, हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राम से होता है। टेस्ट के बाद उसको डिफाइन किया जाता है कहाँ पर किस कारणवश कितना ब्लॉकेज है, और लैप्रोस्कोप से उसे खोला भी जा सकता है। उसके अलावा यदि ट्यूबल ब्लॉकेज इतना ज़्यादा है या खोलने की संभावना कम है, या ज़्यादातर आजकल प्रेगनेंस ट्यूबेक्टोमी के बाद उसको दोबारा सर्जरी करके खोलना मुश्किल पाया गया है, इसलिए उसके स्थिति में IVF की सलाह दी जाती है, जिसमें कि अंडों को ओवरी से कलेक्ट किया जाता है और स्पर्म के साथ उसको बाहर के वातावरण में, माने प्रॉपर वातावरण में उसको फर्टिलाइज करके ओवम बनाया जाता है, और फिर उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, और वहाँ वो बच्चा सेटल हो जाता है और बच्चे का ग्रोथ होता है, बच्चा डिलीवरी होती है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए, अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।